नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए जो नया टॉपिक लेकर के आई हूँ वो रिलेटेड है इतिहास से, मध्यकालीन इतिहास। ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है और जितने भी आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के दृष्टिकोण से भी ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों। ये टॉपिक है कि बाबर, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले बाबर से हम मुगल साम्राज्य से मध्यकालीन इतिहास को प्रारंभ हुआ मानते हैं, क्योंकि 12वीं शताब्दी से लेकर के आपके 15वीं शताब्दी तक जो शासन किया वो अफगानों ने शासन किया, लेकिन अफगानी शासक का अभ्युदय या अफगानी शासक का प्रभुत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा था और बाबर जो कि मध्य एशिया से आया था यहाँ आकर के उसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और 1857 की क्रांति के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। तो हम बात करेंगे आज से मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहला आता है विद्यार्थियों बाबर। क्या आता है? बाबर। बाबर के बारे में अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो बाबर का जो जन्म था वो 1483 में अजारुद्दीन नगर में हुआ था। अजारुद्दीन नगर में इसका जन्म हुआ था। अजारुद्दीन जो नगर है वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उज्बेकिस्तान में इसका जन्म हुआ था। किसका? बाबर का जो जन्म है वो 1483 में उज्बेकिस्तान नामक जगह पर हुआ था। ठीक है, फरगना राज्य की राजधानी, फरगना जो राज्य था उसकी राजधानी थी अजारुद्दीन नगर, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या था? उमर शेख मिर्जा जो था इनके पिता का नाम था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1493 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और बाबर जो है क्या मिल जाती है, बाबर को राजगद्दी प्राप्त हो जाती है। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसकी महत्वाकांक्षा के कारण ही बाबर अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था और इसीलिए उसने सरायपुर का युद्ध किया 1502 में। 1502 में उसने सरायपुर का युद्ध किया सेबानी खा उज्बेक के साथ। इसने कौन सा युद्ध किया विद्यार्थियों? सरायपुर का युद्ध किया। इस सरायपुर का जो युद्ध किया था, इस युद्ध में जो है क्या होता है, इस युद्ध में बाबर हार जाता है और मध्य एशिया में उसका प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। इसके बाद वो काबुल की तरफ आता है और काबुल पर अधिकार स्थापित कर लेता है। काबुल से आगे वो हिंदुस्तान की तरफ देखता है, तो हिंदुस्तान पर इस समय केंद्रीय प्रभुसत्ता का अभाव था। दिल्ली जो कि केंद्रीय प्रभुत्व वाला था, अफगान सरदारों में फूट पड़ने के कारण जो है वो हिंदुस्तान पर अधिकार कर सकता था, क्योंकि जब बाबर हिंदुस्तान आया उस समय भारत जो है कई शासकों में डिवाइड था। अगर उन शासकों के डिवाइडेशन के कारण एक छत्र प्रभुत्व के शासन जो था वो हिंदुस्तान में कम था, इसीलिए बाबर जो है भारत आता है तो देखता है कि यहाँ पर मालवा पर, कहाँ पर, मालवा पर जो अधिकार था वो था महमूद खिलजी का। किसका था? महमूद खिलजी का। दिल्ली पर जो आधिपत्य था वो था आपका
इब्राहिम लोदी का, किसका था? इब्राहिम लोदी का था। गुजरात की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? गुजरात की अगर हम बात करें विद्यार्थियों, तो गुजरात में इस समय, गुजरात में मुजफ्फर शाह सेकंड था, दिल्ली बताई दिया। बंगाल में नुसरत शाह था, ठीक है। इसके अलावा बहमनी जो साम्राज्य था वहाँ पर था कली मुल्ला शाह। कौन था विद्यार्थियों? कली मुल्ला शाह था। और आपके दो राजपूत शासन थे, एक था आपका मेवाड़ और एक था आपका विजयनगर। मेवाड़ पर शासन था राणा सांगा का और विजयनगर पर शासन था आपके कृष्णदेव राय का। किसका था? कृष्णदेव राय का। तो आपने देखा कि मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ होता है मुगल साम्राज्य से, और मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था, वो कौन था? बाबर था। और इस बाबर के बारे में जानकारी हमें बाबरनामा से मिलती है। किससे मिलती है? बाबरनामा से मिलती है। बाबरनामा को तुर्की भाषा में स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा के तौर पर इसको लिखा था। किसको? बाबर नामा को लिखने वाला स्वयं बाबर था, तुर्की भाषा में इसको लिखा। बाद में अब्दुल रहीम खान खाना का नाम आप लोगों ने सुना होगा विद्यार्थियों। अब्दुल रहीम जो खान खाना था, इन्होंने फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया था। किसका? बाबर नामा का। बाबर नामा से हमें बाबर के बारे में जानकारी मिलती है। ये हमें तुर्की भाषा में देखने को मिलती है और इसका फारसी भाषा में अनुवाद करने वाले थे अब्दुल रहीम खान खाना जो थे, इन्होंने क्या किया? अब्दुल रहीम खान खाना ने तुर्की अरबी भाषा फारसी भाषा में बाबरनामा का अनुवाद किया था विद्यार्थियों। तो उसके बाद अगर हम बात करें इसके जीवन परिचय की, तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, फरगना में इसका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। 1493 में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई और उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के साथ ही 1493 में बाबर को फरगना की राजगद्दी प्राप्त हो गई। फरगना की राजगद्दी प्राप्त होने के बाद 1502 में उसने सेबानी खा उज़्बेक के साथ किसका युद्ध किया? सरायबुल का युद्ध किया, लेकिन वो उसमें हार जाता है। आगे जाकर के काबुल पर वो अपना अधिकार स्थापित करता है और काबुल पर अधिकार स्थापित करने के साथ ही हिंदुस्तान की तरफ देखता है। हिंदुस्तान में क्या है? हिंदुस्तान में एक छत्र शासन का अभाव था और बाबर जानता था कि अगर इन शासकों को मैं अलग अलग तरीके से परास्त करो, कूटनीतिक प्रयासों के द्वारा अगर इनको परास्त करूंगा, तो मैं भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता हूं। तो उस समय जब बाबर आया था, उस समय मालवा का शासक था महमूद खिलजी, दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी, गुजरात का शासक था मुजफ्फर शाह सेकेंड, बंगाल का शासक था नुसरत शाह, बहमनी का शासक था कली मुल्ला शाह, मेवाड़ का शासक था राणा सांगा और विजयनगर का शासक था कृष्णदेव राय। अगर उत्तरी भारत में बाबर को अपना प्रभुत्व स्थापित करना था, तो उत्तरी भारत में उस समय विद्यार्थियों दो सत्ताएं थी। कितनी सत्ताएं थी? दो। एक तो आपकी इब्राहिम लोदी और एक था आपका राणा सांगा। इब्राहिम लोदी क्रूर प्रवृत्ति का था और इब्राहिम लोदी ने अपने विद्रोही खूब खड़े कर लिए थे। अपने विद्रोही ज़्यादा खड़े करने के कारण जो है इब्राहिम लोदी का साम्राज्य धीरे धीरे विभाजित होता जा रहा था। उस
उसी समय राणा सांगा का प्रभुत्व समस्त उत्तरी भारत में बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि आपके राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को दो युद्धों में पहले से ही हरा दिया था। एक था आपका खातोली का युद्ध, कौन सा था? खातोली का युद्ध, और दूसरा था आपका बांडी का युद्ध। बांडी का युद्ध, खातोली का युद्ध हुआ 1517 में और बांडी का युद्ध हुआ 1518 में। बांडी पड़ता है धौलपुर में, खातोली पड़ता है आपका बूंदी में। तो इब्राहिम जब बाबर भारत आया था, या बाबर के आने की जब भारत में संभावना थी, उसी समय की अगर हम वस्तु स्थिति देखें तो राणा सांगा का प्रभुत्व समस्त उत्तरी भारत पर था। क्योंकि उसने 1517 में खातोली के युद्ध में और 1518 में बांडी के युद्ध में किसको हरा दिया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। लेकिन अगर बाबर को किस पर? दिल्ली पर अधिकार करना था, तो इब्राहिम लोदी को परास्त करना जरूरी था। तो बाबर ने सबसे पहला जो युद्ध लड़ा विद्यार्थियों, वो था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध जो कि 21 अप्रैल कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 में, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का युद्ध होता है विद्यार्थियों। और ये पानीपत का युद्ध किस किस के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। बाबर ने अपनी कूटनीतिक प्रयासों, उज्बेकों की तुलगुमा तोपखाना नीति का प्रयोग करते हुए इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है और बाबर दिल्ली में मुगल साम्राज्य की क्या कर देता है? स्थापना कर देता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। मुगल साम्राज्य की स्थापना करने में बाबर का जो सबसे ज्यादा साथ दिया, वो दिया था दिलेर खान ने। इसने दिलेर खान ने जो है इसका सबसे ज्यादा साथ दिया था, क्योंकि दिलेर खान विरोधी था इब्राहिम लोदी का। और दिलेर खान के आमंत्रण पर ही बाबर ने भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की सोची थी। ये बात स्वयं बाबरनामा में बाबर ने ये बात कही है। अब बात ये आती है कि बाबर को पता था कि इब्राहिम लोदी को परास्त करना ही काफ़ी नहीं है, अगर उत्तरी भारत में अपना आधिपत्य स्थापित करना है तो उसको दो युद्ध और करने पड़ेंगे, एक राणा सांगा के साथ और एक गुजरात के शासक के साथ, मालवा के शासक के साथ भी उसको युद्ध करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने क्या किया, राणा सांगा और बाबर के बीच में युद्ध होता है। राणा सांगा ने सभी राजपूतों को एक छत्र रूप से बाबर का विरोध करने के लिए सभी सरदारों को आमंत्रित करता है। ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने देखा कि बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए इब्राहिम लोदी के साथ जो युद्ध लड़ा, उसे इतिहास में पानीपत के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध के बाद ही बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी विद्यार्थियों। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाबर और राणा सांगा के बीच के युद्धों के बारे में, उनके निष्कर्षों के बारे में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों। धन्यवाद।